कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरे सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड ग्लोरियस दीपावली। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्विक, इंस्टेंट और सिर्फ 3 मिनट में बनने वाले ये बहुत ही टेस्टी काजू के दिल बहार लड्डू, जिसके सामने काजू की बर्फी भी फेल है। बहुत ही इजीली घर के सामान से तुरंत बन जाते हैं, बिना गैस चलाए, बिना चाशनी, बिना मावा, बिना किसी कुकिंग के आप इनको तुरंत 3 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काजू के दिल बहार लड्डू। काजू दिल बहार लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम के करीब मैंने ये काजू लिए हैं, लगभग 1 कप। 2 टेबल स्पून मैंने दूध का पाउडर यानी मिल्क पाउडर लिया है। आप कोई भी मिल्क पाउडर, एवरीडे का, पतंजलि का या नेस्ले का, कोई भी मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं। 2 to 3 टेबल स्पून के करीब हमें चाहिए होगा। ये मैंने 3 से 4 इलायची को बारीक पीस लिया है, इस तरीके से आप क्रशर में क्रश कर लें। यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क। ये मेरा होममेड कंडेंस्ड मिल्क है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे चैनल कुक विद पारुल पर आप कंडेंस्ड मिल्क बनाने की रेसिपी देख सकते हैं। सिर्फ बहुत ही जल्दी सिर्फ 2 चीजों से ये तैयार हो जाता है। अगर आपके पास घर में नहीं है तो आप मार्केट से मिल्कमेड, आप अमूल का, किसी का भी कंडेंस्ड मिल्क ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून देसी घी, 5 to 6 मैंने ये पिस्ता लिया है, इसे मैंने कट कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन का कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ गार्निशिंग करनी है। ये मैंने ली है चांदी का बर्क। चांदी का बर्क बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको रियल यानी ओरिजिनल मिलता है तो आप यूज कीजिए, वरना आप इसको स्किप कर दीजिए। आप सिर्फ ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं। मुझे मिल गया है तो मैं चांदी का बर्क का इस्तेमाल यहाँ कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें काजू को एक मिक्सी में पीसना होगा और इसका फाइन पाउडर हम तैयार कर लेते हैं। मैंने काजू को पीस लिया है और ये अब बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो अब एक बड़े बोल में हम डालेंगे काजू का पिसा हुआ पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, लगभग 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं। अभी सब ड्राई चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, काजू की बर्फी भी इस लड्डू के सामने फेल हो जाती है। और मैं आज आपको इसके 2 वर्जन बताऊंगी कि आप 2 तरीके से इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क, सिर्फ इतना कि इसको पूरा बाइंड कर ले। कंडेंस्ड मिल्क आप घर में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। पर बहुत जल्दी कंडेंस्ड मिल्क बन जाता है घर में ही, और आप 1 महीने तक उसको यूज कर सकते हैं। फिर इसमें रख दीजिए और एनी टाइम आप उसको किसी भी स्वीट में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें घी, थोड़ा मेल्ट कर लें गरम करके, और फिर आप डालें। अब हाथ से अच्छी तरीके से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके डालें, जिससे रेशो आपका गड़बड़ ना हो और ये बिल्कुल पतला ना हो। अगर हो जाता है पतला तो आप इसमें थोड़ा सा काजू का पाउडर और मिक्स कर लें पीस करके। इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट है हमारा रेशो और एकदम बढ़िया ये तैयार हो गया है इसका बेस। अब हम बनाएंगे लड्डू। थोड़ा सा इसका पोर्शन लेंगे, जिस भी साइज के आपको लड्डू बनाने हैं, और उसके बाद इसकी एक बॉल जैसे तैयार कर लेंगे। हाथ को थोड़ा ग्रीस कीजिए और इस तरीके से
हम लड्डू प्रिपेयर कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत बढ़िया, और आपने देखा कितना आसान है बनाना। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से इसको हम तैयार करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे गार्निश करना है। तो ये देखिए, मैंने ये इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लड्डू तैयार कर लिए हैं, बहुत ही क्विकली बन जाते हैं। ये तो है प्लेन लड्डू जो काजू के तैयार हो गए, इसको मैं आपको बताऊंगी कैसे गार्निश करना है। अब मैं इसका आपको बताती हूँ आप दूसरा तरीका क्या है, आप इसको किस तरीके से और भी बढ़िया बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 2 चम्मच गुलकंद। गुलकंद जो पान में लगाया जाता है मीठा वाला, गुलाब के फूल का, ये वही गुलकंद है। किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर गुलकंद आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर आपको गुलकंद नहीं मिलता है तो ये रेडीमेड आपने देखा होगा पान आते हैं, ड्राई पान, ठंडे मीठे पान, इसका पैकेट बहुत इजीली मिल जाता है, इस टाइप का पैकेट होता है और अच्छी शॉप्स पर आपको ये मिल जाएगा, तो आप ये भी ले सकते हैं। इनको खोलकर इनका पूरा पाउडर आप बना लें, इनको खोलकर हाथ से मैश कर लें, तो आप इसकी स्टफिंग भी लड्डू में अंदर कर सकते हैं। तो आपके गुलकंद दिल बहार लड्डू तैयार हो जाएंगे काजू के। और अगर ये नहीं है तो आप गुलकंद, सिंपल गुलकंद का एक पैकेट खरीद लें और उसमें आप डालिए थोड़ा सा नारियल बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट, बहुत इजीली मिल जाता है, वरना आप अपने ड्राई कोकोनट को कद्दूकस करके ऐसे फाइन पाउडर को तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डालती हूँ 1 चम्मच, इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी ये लगेगा लड्डू के अंदर, जैसे बिल्कुल मार्केट में आपने देखा होगा गुलकंद के लड्डू मिलते हैं बिल्कुल वैसा ही। तो आप चाहें तो प्लेन बना लें लड्डू, और आप चाहें तो इसकी स्टफिंग करके गुलकंद के दिलबहार लड्डू तैयार कर सकते हैं। जो ड्राई पान होते हैं वो बिल्कुल ड्राई होते हैं, इसलिए हमें उसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको रख सकते हैं। लेकिन गुलकंद हल्का पतला होता है, तो इसलिए मैंने नारियल पाउडर मिलाया है, जिससे अब ये हल्का थिक हो गया। तो अब हम वैसे ही छोटा पोर्शन लेकर के एक लड्डू बनाते हैं और उसमें इसकी स्टफिंग करेंगे। तो हमारे तैयार होंगे गुलकंद के दिलबहार काजू लड्डू इस तरीके से, और प्रेस करके हम इसकी स्टफिंग अंदर कर देते हैं। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस तरीके से, ज्यादा नहीं भरना है, और उसके बाद क्योंकि मीठा होता है गुलकंद, थोड़ा ही हम भरेंगे। अब जब इसको किसी को आप सर्व करेंगे और वो खाएगा, उसको खाकर मजा आ जाएगा कि क्या लड्डू बने हैं। इस तरीके से हल्के हाथ से घुमा घुमा करके हम इसको पूरा गोल राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, अब इसमें मैंने भर दिया है गुलकंद, इसको मैं अलग रख देती हूँ। इसी तरीके से एक और तैयार करते हैं। स्टफिंग लीजिए थोड़ी सी, हाथ से प्रेस कीजिए, थोड़ी और लेते हैं, एक नई चीज आप तैयार करेंगे और सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अब इसमें हम लगाएंगे गुलकंद इस तरीके से, और अब इसको हम कर देंगे बंद, हाथ से प्रेस करते हुए इस तरीके से घुमा घुमा करके हल्का सा प्रेस करें और फिर ये बंद हो जाएगा। ज्यादा कस के प्रेस नहीं करना है, और हमारा लड्डू तैयार। यहाँ हमें चीनी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी भी लड्डू में, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क भी बहुत मीठा होता है और दूध का पाउडर जो मैंने डाला है वो भी मीठा होता है, तो काफी एनफ है उतनी मीठा। और अब हमने गुलकंद भी इसमें लगा दिया है, तो इसलिए हमें बिल्कुल यहाँ जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से, हाँ अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाना है तो आप थोड़ा सा चीनी पीस कर 1-2 चम्मच चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार हो गए हैं दिल बहार काजू लड्डू। ये चारों मैंने बनाए हैं गुलकंद के, और ये वाले हैं प्लेन। अब आपको जो अच्छे लगते हो आप बना सकते हैं, जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएगा। अब हम करते हैं इसकी गार्निशिंग। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ चांदी का बर्फ, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको मिलता है असली तो आप लगाइए, वरना आप इसको बिल्कुल मत लगाइए। तो मैं यहाँ पर एक लड्डू लेकर उसको रैप कर देती हूँ इस तरीके से। हम लड्डू को लेंगे और इसको मैं लगा दूंगी,
तो ये देखिए इतने सुंदर काजू के दिल बाहर लड्डू, ये चारों गुलकंद वाले और ये प्लेन। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा सा पिस्ता, वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं सजाने के लिए। मैं यहाँ ले लेती हूँ पिस्ता। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में, किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये सिर्फ 3 मिनट में इतनी आसानी से बिना किसी कुकिंग के, ना कोई गैस जलाए, ना चाशनी बनाए, ना मावा, ना कोई ज्यादा ड्राई फ्रूट्स, इतनी आसानी से ये तैयार हो गए। तो आप ये जरूर बनाएं और सबका दिल खुश करें, और सबको ये बहुत पसंद आएंगे क्योंकि खाने में ये काजू की बर्फी को भी मात दे देंगे, इतने टेस्टी लगते हैं। कंडेंस मिल्क का एक अपना ही टेस्ट होता है, तो बहुत ही बढ़िया ये बनते हैं। तो आप इन्हें जरूर बनाएं इस दिवाली। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।